भाई किसी चीज में अपने आप को लगाएं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेसेस हो, या फिर वो अच्छी हैबिट्स हो, वरना PUBG इज वेरी अट्रैक्टिव। TikTok पे अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा भाई। मैं क्यों ऐसी बात हूँ, जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैम हो जाए, बस रोक लें अपने आप को, बुद्ध बन जाए, नहीं कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे तो शादियां 25-25, 26-26 साल, 27-27 साल में, तो हमने उसको 27 साल तक उसके सारे वैक्यूम को पूरा करना है, खराब आदतें भी ना लगे, ख्वाहिशों का मिसयूज भी ना करें। फलां को गालियां दे रहे हैं, फलां को जो है ना बुरा भला कह रहे हैं, औरतें जो है वो गीबतों के अंदर टाइम स्पेंड कर रही हैं, ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि आपके पास करने को कुछ नहीं है। अपने आप का एग्जॉशन प्लान बनाए कि मैं अपने आप को रोज पे यूटिलाइज किस तरह करूं, अगर नहीं करूंगा ये कहीं ना कहीं तो होगी, फिर बाद में रिग्रेट होगा, यार ये क्यों जुमला निकल गया, यार ये क्यों हो गया, इतना टाइम क्यों जाया कर दिया। भाई किसी चीज में अपने आप को लगाएं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेसेस हो, या फिर वो अच्छी हैबिट्स हो, वरना PUBG इज वेरी अट्रैक्टिव। मैं बता रहा हूँ, ये जिसके पास कुछ करने को नहीं है वो PUBG बहुत अच्छा खेल सकता है, बहुत मजा आता है उसके अंदर। TikTok पे अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा भाई। मैं क्यों ऐसी बात हूँ, जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैम हो जाए, बस रोक लें अपने आप को, बुद्ध बन जाए, नहीं कुछ ना कुछ करेंगे। और अब जो है वो कराची के अंदर वो दौर नहीं है कि हम अपने छोटे बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें, हम तो बचपन में जाते थे खेलने के लिए, साइकिलिंग करते थे, अब तो ये है कि बाहर भेजेंगे पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, एक और मसला, तब उसको घर पे ही रखना है, तो PUBG ना दें तो क्या दें, सवाल है भाई, क्या उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी को डालें, तो सिंपल है, सुबह मदरसे जाए, वो सुबह स्कूल जाए, दोपहर को मदरसे जाए, शाम को आगे जो है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, और उसकी बच्ची कुछ एनर्जी जो है माँ बाप अपने सामने एग्जॉस्ट कराएं, और उसके बाद वो अल्लाह होमवर्क करके सो जाए, ये जिंदगी है नॉर्मल। लेकिन ये बच्चा जब ग्रो होता है, आपने दोपहर वाली पूरी साइड खाली कर दी, सुबह स्कूल गया, स्कूल से वापस आया और अगले दिन स्कूल जाना है, और होमवर्क तो बहुत कम टाइम लेता है, तो क्या करेगा पूरा दिन, किसी चीज से रोकने से पहले बताएं उसको एग्जॉस्ट कहाँ करेंगे। और एनर्जी बड़ी है क्योंकि हमारे तो शादियां 25-25, 26-26 साल, 27-27 साल में, तो हमने उसको 27 साल तक उसके सारे वैक्यूम को पूरा करना है, खराब आदतें भी ना लगे, ख्वाहिशों का मिसयूज भी ना करे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करें। और जो लोग रिटायरमेंट के बाद कोई प्लान नहीं है, घर में बैठे में अखबार पढ़ के फ्रस्ट्रेट होकर किसी पे निकालेंगे, और क्या, फलां को गालियां दे रहे हैं, फलां को जो है ना बुरा भला कह रहे हैं, औरतें जो है वो गीबतों के अंदर टाइम स्पेंड कर रही हैं, ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि आपके पास करने को कुछ नहीं है।